अस्पताल में टीका कंपनी के अधिकारी कर रहे मनमानी, कब जागेगा मेडिकल प्रबंधन। इन दिनों जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में चल रही प्राइवेट टीका कंपनी के उच्च अधिकारी ने मनमानी रवैया अपनाया हुआ है। जैसा कि महाकौशल की सबसे बड़ी अस्पताल नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में दूर दराज से लोग अपनी मरीज का इलाज करवाने आते हैं और यहां आए दिन किसी न किसी प्रकार की अप्रिय घटनाएं होती रहती हैं। आज ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें होशंगाबाद जिले से एक व्यक्ति अपने मरीज का इलाज कराने आया और उसके जेब से ओपीडी में लगी लाइन में से किसी ने 2600 निकाल लिए। वही सूत्रों के अनुसार ठेका कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर सौरभ पारी के इशारे पर मेडिकल परिसर में बनी सुरक्षा चौकियों पर ताले लगवा दिए गए। इन परिस्थितियों में मेडिकल की सुरक्षा व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है, लेकिन दूसरी ओर कंपनी के अधिकारी ये दावा करते हैं कि मेडिकल की सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। अगर ऐसा है तो फिर आए दिन घटनाएं क्यों होती रहती हैं? वहीं सूत्र ये भी बताते हैं कि ठेका कंपनियों के अधिकारियों की सांठगांठ के चलते चोर व जेब कतरों की मौज हो रही है। जबलपुर से वीरेंद्र सिंह, सुनील सेन की खास रिपोर्ट। मैं जमुना प्रसाद भार्गव, ग्राम खुर्सीढाना, तहसील बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद का रहने वाला हूँ। मैं अपनी मिसेज का इलाज कराने आया था। ओपीडी में किसी ने मेरे 2600 रुपये निकाल लिए। मैं शिकायत लेके पुलिस चौकी गया तो मेरे को वहाँ से भगा दिया गया। कहने लगा यहाँ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई जाएगी, आप थाने जाइए।